मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। चुनावी जनसभा में एक तरफ जहां कांग्रेस नेता ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं भाजपा राम मंदिर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने ये बात कही है कि एमपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य की जनता को राज्य सरकार के खर्चे पर भगवान रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। इस बात पर मंगलवार को शिवसेना यूपीडी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह और बीजेपी नेताओं के बयान को सुना और पढ़ा है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो लोग मध्य प्रदेश में भगवान रामलला के दर्शन निःशुल्क कर सकेंगे। शिवसेना नेता ने आगे कहा, भगवान रामलला पूरे देश और दुनिया में है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हार गए तो आप मध्य प्रदेश को लोगों को रामलला के दर्शन करने से सिर्फ इसलिए रोक देंगे क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया? उन्होंने आगे सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में किस तरह की राजनीति चल रही है? चुनाव आयोग को इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि गुना के राघोगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वादा किया कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो भाजपा भगवान रामलला के दर्शन का खर्च वहन करेगी। अमित शाह ने कहा, आप 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनाए, बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार आपको मुफ्त में भगवान रामलला के दर्शन कराने में मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आगे कांग्रेस पार्टी पर मंदिर के निर्माण को रोकने और भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे तीर्थ स्थलों और भारतीय संस्कृति का अपमान भी किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने ये बात कही है कि एमपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य की जनता को राज्य सरकार के खर्चे पर भगवान रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। भाजपा नेता के इस बात पर शिवसेना यूपीडी सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।